बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर नय्यर इकबाल। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपने इन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से तैयार किया होगा, आपने खुद इनको अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.7 के इम्पॉर्टेंट पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी थोड़े से टेक्निकल हैं, टिपिकल होंगे, लेंथी भी होंगे। और इन क्वेश्चंस में हमने प्रूव करना है सम रिज़ल्ट। आपको कहा जाएगा कि इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल होते हैं, अगर आप ये चीज़ हमें, ये रिज़ल्ट हमें प्रूव कर दें। सो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इस लेक्चर में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा, जिसमें इक्वेशन ऑफ दी सॉरी आपने गिवन इक्वेशन के रूट्स को रैशनल साबित करना है, और उसके लिए आपको एक इक्वेशन और एक रिजल्ट जो है ना वो प्रूव करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 79। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल। अब स्टूडेंट्स देखें, अब आपने रैशनल साबित करना है इनके रूट्स को, क्या बताना है कि इनके रूट्स रैशनल होते हैं। अगर तो इनके रूट्स रैशनल होते हैं तो दो बातें होनी चाहिए, एक तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए और सेकंड डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये याद रखें। सो सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, हेयर ए की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू, बी जो है वो माइनस पी और सी है माइनस क्यू। सो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या आता है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी, दिस इज माइनस पी स्केयर माइनस फोर पी प्लस क्यू एंड सी इज माइनस क्यू। सो वी हैव पी स्केयर प्लस फोर पी क्यू प्लस फोर क्यू स्केयर। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये p प्लस टू क्यू का स्केयर है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ p एंड q, हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल because discriminant is positive and a perfect square। So students, इसी सवाल का अब हम second part देखते हैं, this is that one, this is the second part, ठीक है। So solution, here a is b, b is minus p, you can say plus q, and c is minus q. So what is discriminant? That is b square minus 4ac, which means p plus q, it's square minus 4c. So here q square plus p square minus 2pq plus 4pq. This gives p square plus q square plus 2pq and this is p plus q whole square, which is always positive for every value of p and q, since d is positive and a perfect square so roots will be rational। So students, ये बहुत आसान सवाल थे। Okay, next lecture में आपसे नए questions के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। Meet you in next lecture।